स्वागत है आप सभी का दुरुंग नर्सरी में। आज जिस प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम जिरेनियम है और हम आज कटिंग के इसकी कटिंग लेंगे। इसकी जो सॉफ्ट वुड होता है उसे ही लेंगे हम, उसे एक नया ब्लेड लेके इसकी ब्रांच को काटेंगे, ऊपर वाली ब्रांच को। यहाँ से हमने ये कटिंग लिया है, वहाँ पे उस पॉइंट में एंटी फंगस लगाना है, इससे फंगस लगने का डर नहीं होगा। अब मैंने जितने भी जहाँ जहाँ से कटिंग ले रखी थी सब प्लांट में एंटी फंगस लगा दिया है। मेरी ट्रे भी तैयार हो गई है इस टाइम, इसमें फंगस पाउडर के अलावा पानी डाल रहा हूँ। मैंने इस रेते को 3-4 दिन धूप में सुखाया, सुखाने के बाद लेके अब रेडी कर रहा हूँ उसे। अब हो गया कटिंग लगाने का टाइम। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी हम जिरेनियम की कटिंग लगाते हैं, सॉफ्ट कटिंग, उस रूट हार्मोन लगाने से ना उसके नीचे काला काला पड़ जाता है और पेड़ सड़ जाता है। इसलिए मैं कभी भी यूज़ नहीं करता सॉफ्ट वुड में ज़्यादातर। लगाने के बाद बहुत क्या क्या लगाता है, जैसे एलोवेरा का जेल, वो भी मैं लगाता नहीं हूँ। इतने साल हो गए मुझे प्लांट को कटिंग करते हुए, मैंने नहीं लगाया इसमें कभी भी। पर मैं हार्ड वुड कटिंग में लगाता हूँ, उसमें रिजल्ट सही आ जाता है हार्ड वुड कटिंग में। ये वीडियो मैं फरवरी में डालने वाला था, पर मेरे पास मेरी फ़ोन में जो है स्टोरेज की प्रॉब्लम आ गई थी, इसे नहीं बना पाया। तो अभी बनाया है, तो कोई नहीं, फिर भी टाइम है मेरे पास ये सब करने का। सितंबर मैंने वीडियो डाल रखा है, सितंबर में मैंने इसकी सीडिंग की थी, उसके और रिपोर्ट करके अप्रैल पर कैसे हो गया, इसके पौधे पड़े हो करके अपडेट दिखाया था। आपने तो वीडियो देखा ही होगा। इसमें रूटिंग होने के लिए 25-30 दिन लगते हैं भाई, उसके बाद आप शिफ्ट करते हैं दूसरे पॉट में। इनकी कटिंग फिर एक बार और होती है, जो जून जुलाई में करता हूँ मैं, जिससे पौधे बहुत बन जाते हैं और चाहिए भी पौधे मुझे बहुत सारे। अब करते हैं 1 महीने का इंतज़ार और मैं आपको इसकी अपडेट जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का दिल से शुक्रिया।